नमस्कार दोस्तों, घर का मुख्य द्वार सबसे अहम होता है। इसी द्वार से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे काम बताने वाले हैं जिन्हें करने के बाद से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर ही रहेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखना चाहिए। ये पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशबू वाले ताजे फूल रखे जा सकें। इससे घर में सकारात्मकता भी आती है और घर में खुशहाली भी आती है। इसके अलावा पीपल या आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं। इसे घर या ऑफिस के मेन एंट्रेंस पर बांधें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। हालांकि जब ये पत्तियां सूख जाएं तो माला बदल देनी चाहिए। इसी तरह घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं या बने बनाए पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। इसी तरह घर के मुख्य और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का चिन्ह बनाएं। इससे रोग शोक में कमी आती है और सुख और समृद्धि में इजाफा भी होता है। इसके अलावा वास्तु के लिहाज से घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का दरवाजा बड़ा रखना लाभकारी होता है। ये नकारात्मकता ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाजा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो, ये घर की समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखने से घर में अधिक से अधिक रोशनी का प्रवेश होता है, जिससे घर में अंधेरेपन को दूर करने और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर माना जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या विषम यानी ऑड में होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी ना हो, तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनवाएं और हर सुबह इसे जल से धोएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर देहरी बनवाना शुभ फलदायी होता है। इससे जल में हल्दी मिलाकर धोने से घर में उन्नति आती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।